अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर। इसके अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक इस्कंदर मिर्ज़ा। फाइन, इन लेक्चर वन वी हैव कवर्ड मलिकुल्लाह मोहम्मद, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इस्कंदर मिर्ज़ा। वी आर गोइंग टू चेक आउट द थ्योरी पार्ट। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे बाद में जब हमारा सेशन रिज्यूम होगा। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मिर्ज़ा। स्टार्ट करेंगे विद द बायोग्राफिकल डिटेल। वेरी फर्स्ट थिंग, अ बंगाली पॉलिटिशियन, 1899 में इनकी बर्थ हुई। And he was great grandson of Mir Jafar. Mir Jafar, the same person who betrayed Siraj-ud-Daula in the war. Which war we are talking about? We are talking about the Battle of Plassey, 1757. Mir Jafar was labeled as a traitor. So Mirza was also labeled a traitor. Ye cheez hum baad mein end mein discuss karenge. Then received military academy from military training from Sandhurst Academy, England. Yahan se military training gain ki. Served in Ministry of Defence of British India. Means he was an experienced civil servant as well. Then he became Pakistan's first defense secretary and he assisted Liaquat Ali Khan in strengthening Pakistan's defense. He even served as Governor of East Pakistan 1954 when East Pakistan was going through a severe economic distress. Then he became acting Governor General 1955. Kaise bane the? By succeeding Malik-ul-Ghulam Muhammad. And then he became Pakistan's last Governor General and first President as well. Then Mirza introduced the one unit scheme. He passed the 1956 Constitution and he died in 1969 in London due to heart attack. इनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान लाया गया, लेकिन इनकी डेड बॉडी को पाकिस्तान में दफनाने की परमिशन नहीं दी। याया खान ने परमिशन नहीं दी। इनकी बॉडी को लेके गए तेहरान, ईरान, एंड ओवर देयर ही वाज बरीड। मिर्ज़ा की इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, हु वाज इस्कंदर मिर्ज़ा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इवेंट। फाइन, सबसे पहले तो चेक कर लें कि इनकी मिनिस्ट्री में पाकिस्तान में कितने प्राइम मिनिस्टर थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू स्टार्ट विद द गवर्नमेंट वाज मोहम्मद अली बोगरा। मोहम्मद अली बोगरा के बाद बने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, इट वाज चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली वाज देयर एज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, फॉलोड बाय हुसैन शहीद सोहरावर्दी एंड अदर बंगाली पॉलिटिशियन। देन अ पपेट I.I. Chandrigarh, then it was Feroz Khan Noon, and then it was Ayub Khan. Even Ayub Khan was appointed as Pakistan's PM by Mirza. So just 3 years and we can see that 6 prime ministers were there during the short span of 3 years. Then very first policy introduced by Mirza was the one unit policy. The policy was proposed by Bogra. 54 में बोगरा ने पॉलिसी प्रपोज की। प्रपोज किसको की उन्होंने? प्रपोज टू मलिक गुलाम मोहम्मद। गुलाम मोहम्मद ने इस पॉलिसी को रिजेक्ट कर दिया, बट देन द पॉलिसी वॉज इंप्लीमेंटेड बाय मिर्जा। मिर्जा इंप्लीमेंटेड दिस पॉलिसी एंड द ईयर वॉज 55। पाकिस्तान को डिवाइड किया 2 पार्ट्स में। दो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान डिवाइडेड था 2 पार्ट्स के अंदर, लेकिन इस पॉलिसी के थ्रू पाकिस्तान को डिवाइड किया गया एडमिनिस्ट्रेटिवली इन 2 पार्ट। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, NWFP एंड मेनी प्रिंसी स्टेट्स वर मर्ज टुगेदर। नाम रखा उसका वेस्टर्न विंग। ईस्ट पाकिस्तान को बना दिया पाकिस्तान का ईस्टर्न विंग। वन यूनिट पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय मिर्जा इन 1955। देन इन्होंने कहा दैट द पॉलिसी विल ब्रिंग मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव होगी विद दिस पॉलिसी। ही ऑल्सो प्रोक्लेम्ड दैट मोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स विल बी ऑर्गेनाइज इन पाकिस्तान, स्पेशली इन ईस्ट पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान वॉज निग्लेक्टेड एंड आइसोलेटेड ड्यू टू अंडर गवर्नेंस। पॉलिसी बिकेम हाईली अनपॉपुलर इन ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत अनपॉपुलर हुई, स्पेशली वहां की पॉलिटिकल पार्टीज में। वहां पे उस जमाने में 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी। वन वॉज यूनाइटेड फ्रंट एंड सेकेंड वन वॉज अवामी लीग। दिस बिकेम हाईली अनपॉपुलर इन
ईस्ट पाकिस्तान। इस पॉलिसी का जो सबसे नेगेटिव पार्ट था, इट सपोर्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन फॉर बोथ द विंग्स इन द असेंबली। नेशनल असेंबली में दोनों पार्ट्स के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वेस्ट पाकिस्तान वॉज हैविंग 10 मिलियन लेस पॉपुलेशन देन ईस्ट पाकिस्तान। जी, ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 10 मिलियन ज्यादा थी एज कंपेयर टू वेस्ट पाकिस्तान। एंड बंगाली सिवियरली क्रिटिसाइज दिस पॉलिसी एंड वी कैन से इट वॉज अ मेजर कॉज फॉर सेपरेशन, वन ऑफ द मेजर कॉज ड्यू टू विच ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश। तो बच्चों अपने पास नोट कर लीजिए, वन यूनिट पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, एंड दैट वॉज अ बिग फेलियर फॉर दिस गवर्नमेंट। इनकी गवर्नमेंट में पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुए कुछ सोशल रिफॉर्म्स, लेट्स चेक आउट। वेरी फर्स्ट थिंग, कराची एयरपोर्ट वॉज डेवलप। फाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड टर्मिनल, ओल्ड एयरपोर्ट, जिसको आजकल हम हज टर्मिनल भी बोलते हैं, कार्गो टर्मिनल भी बोलते हैं, ये इनकी गवर्नमेंट में एस्टैब्लिश हुआ। पोस्टल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज ऑल्सो इम्प्रूव्ड। आज तो हम पाकिस्तान पोस्ट के बारे में जानते भी नहीं है, बट एट दैट टाइम इट वॉज पाकिस्तान मोर मेन पोस्टल सिस्टम। देन हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज वर इंक्रीज। कैसे? इन्होंने पाकिस्तान में स्कूल स्टैब्लिश किए, डिस्पेंसरीज वर ऑल्सो स्टैब्लिश। डिस्पेंसरीज बेसिकली लोकेटेड होती हैं रूरल एरियाज में, और इनका काम है लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडस्ट्रीज वर सेट अप टू इंक्रीज एक्सपोर्ट। इसका एक और टारगेट भी ये भी था कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए। अगर ज्यादा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगी, देन दे विल बी एबल टू रिजॉल्व देयर ओन issues. So social reform, we can say a success for this government. Inki government ke liye tha ek success. Inki government ne economy ko bhi target kiya, production of major food crops ke upar focus kiya, and the target was to resolve the famine issue. Famine issue 1950s ke andar ek main concern tha. Wheat, राइस एंड शुगर केन, जो जिनका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, इनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज किया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम इन वेस्ट पाकिस्तान, आज का नहीं है इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, उस जमाने में भी था इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम अ मेन कंसर्न इन वेस्ट पाकिस्तान। देन एस्टैब्लिश एडीबीपी, ऑल्सो नोन एज ZTBP और ZTBL, ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड, 57 में एस्टैब्लिश किया, एंड द मेन टारगेट वॉज टू प्रमोट एग्रीकल्चर सेक्टर। फार्मर्स को लोन प्रोवाइड किए गए थ्रू दिस बैंक। इकोनॉमिक रिफॉर्म वी कैन से वॉज अ पार्शियल सक्सेस फॉर दिस गवर्नमेंट। देन इनकी गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पे भी काम किया। 1935 एक्ट वॉज आवर इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का 1935 एक्ट। एंड प्रीवियस गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट टू डिवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन बट दे फेल्ड। फाइनली चौधरी मोहम्मद अली ड्राफ्टेड पाकिस्तान्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। देन इट रिसीव्ड ऑपोजिशन फ्रॉम बंगाली पॉलिटिकल पार्टीज लाइक यूनाइटेड फ्रंट। ऑपोजिशन मिली क्योंकि उनकी डिमांड सेटिस्फाई नहीं हुई थी। रिलीजियस ग्रुप्स ऑल्सो ब्लेम्ड कि उनकी डिमांड ऑफ शरिया लॉ इससे सेटिस्फाई नहीं हुई है, एंड दे डिक्लेयर्ड इट अनसफिशिएंटली इस्लामिक। मौलाना अब्दुल्ला मौदूदी ने इस पे क्रिटिसाइज किया, बट अगेन इट वॉज हाई टाइम फॉर पाकिस्तान टू हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। सो मिर्जा इंप्लीमेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन 23rd March 1956 and declared Pakistan was declared an Islamic Republic. Pakistan ko accept kiya gaya Islamic Republic with both Urdu and Bengali as two official languages. Bahut purani demand thi Bengalis ki, unki language ko banaya jaye Pakistan ki official language, national language, and now their demand was accepted. Qadianis were declared, non-Muslims in Pakistan, ulemas ko satisfy karne ke liye Qadianis, Ahmadis को डिक्लेयर किया नॉन मुस्लिम। पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल वॉज रिप्लेस्ड विद प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट से उसको रिप्लेस किया गया गवर्नर जनरल की पोस्ट को, एंड देन
newly electoral college elected Mirza as first president. Mirza ban gaye Pakistan ke first president and the constitution worked till 58. 56 mein aaya, 58 mein it was abrogated. Abrogate means ke isko finish kiya. कब फिनिश हुआ? जब पाकिस्तान में उसका फर्स्ट मार्शल इंपोज हुआ, इस कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया. कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, वी कैन से इट वाज अ पार्शियल सक्सेस फॉर दिस गवर्नमेंट. देन दिस गवर्नमेंट फेस्ड सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस. पाकिस्तान में बहुत सीवियर पॉलिटिकल क्राइसिस जनरेट हुए एंड दैट वॉज मेनली ड्यू टू मिर्जा. वाई मिर्जा? बिकॉज मिर्जा यूज्ड अदर पॉलिटिशियंस टू एक्सटेंड हिज रूल ओवर पाकिस्तान. क्या किया था मिर्जा ने? लेट्स चेक आउट. मिर्जा डिसमिस बोगरा. बोगरा को डिसमिस किया बिकॉज एज पर मिर्जा ही वॉज अनएबल टू ड्राफ्ट पाकिस्तान्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ओके फाइन, लॉजिकल रीजन है, मान कह सकते हैं कि मिर्जा बोगरा के पास प्रॉपर कैपेबिलिटी नहीं थी. ही वॉज अनएबल टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. उनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया. ओके फाइन. बट नेक्स्ट वन, चौधरी मोहम्मद अली. दो ही ड्राफ्टेड पाकिस्तान्स कॉन्स्टिट्यूशन बट ही वॉज ब्लेम फॉर नॉट कंट्रोलिंग फूड शॉर्टेजेस इन पाकिस्तान. ईस्ट पाकिस्तान में फ्लड था, फेमिन कंडीशन थी. इनको ब्लेम किया गया दैट ही वॉज अनएबल टू कंट्रोल द फेमिन, द फूड शॉर्टेज. ओके फाइन, क्वाइट एक्सेप्टेबल रीजन. देन इट वॉज सुहरवर्दी, अ बंगाली पॉलिटिशियन. एंड वॉट सुहरवर्दी वॉन्टेड? ही वॉन्टेड मोर पावर्स इन गवर्नमेंट. वो चाह रहे थे मुझे ज्यादा पावर मिले. एंड ही चैलेंज मिर्जा टू ऑर्गेनाइज अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. मिर्जा न्यू अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑर्गेनाइज हुआ तो वो इस वोटिंग में हार जाएंगे बिकॉज ऑफ सुहरवर्दीज पॉपुलैरिटी. सुहरवर्दी वॉज मोर पॉपुलर देन मिर्जा. वॉट मिर्जा डिड? मिर्जा डिसमिस सुहरवर्दी एंड अपॉइंटेड अ पपेट प्राइम मिनिस्टर I.I. Chundrigar. I.I. Chundrigar was appointed as a puppet prime minister, but he was unable to create political unity. I.I. Chundrigar को replace किया गया with Firoz Khan Noon. Firoz Khan Noon was also unable to create political unity in Pakistan because he was not an experienced politician. ये पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस के बीच में यूनिटी क्रिएट नहीं कर सके एंड दैट वॉज अगेन अ फेलियर फॉर मिर्जा. सो वी कैन सी हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर. इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम बोगरा, देन चौधरी मोहम्मद अली, देन सुहरवर्दी, देन चुंद्रीगर एंड देन फिरोज खान नून. All these personalities were unable to control government. इनको blame किया मिर्जा ने just to protect his own government. Now Mirza was in deep trouble. Situation became worse and again the last option for Mirza was to take support of army. Army की support ली. Mirza declared martial law, suspended the constitution. Suspended मतलब इन्होंने constitution को for the time being stop किया. He dissolved national and provincial assemblies. Dissolve कर दिया. Appointed Ayub Khan as a martial law administrator. Now keep this thing in mind. जब Ayub Khan का appointment हो रहा था for the post of army chief, मिर्जा वॉज द वन हु सपोर्टेड अयूब्स अपॉइंटमेंट. उन्होंने लियाकत अली खान को एडवाइस की थी दैट अयूब खान इज द बेस्ट पर्सन अवेलेबल फॉर द पोस्ट ऑफ आर्मी चीफ. अयूब खान बिकेम मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर. मीन्स मिर्जा ने सोचा चलो मैं और अयूब खान दोनों मिलकर पाकिस्तान को गवर्न करेंगे, रूल करेंगे. बट अयूब खान, उनको ये आइडिया हो गया दैट ऑल द मेन पावर इज विद मिलिट्री. सारी पावर पाकिस्तान में आर्मी के साथ है. एंड वॉट ही डिड? ही लेबल्ड मिर्जा अ ट्रेटर, एक्साइल्ड मिर्जा फ्रॉम पाकिस्तान एंड डिक्लेयर्ड अ परमानेंट मार्शल लॉ एज वेल. उन्होंने मिर्जा को पाकिस्तान से निकाल दिया, ट्रेटर लेबल किया एंड बिकेम पाकिस्तान फर्स्ट
CMLA, Chief Marshal Administrator, Pakistan ke kaun bane? It was Ayub Khan. So overall, Ministry of Iskandar Mirza, we can say it was a total failure. Political crisis bhi inke liye kya tha? It was a big failure. Agar question aaye aapke liye ke Nazimuddin ko compare karein with Malik Ghulam Muhammad and Iskandar Mirza, out of these three politicians, Ministry of Nazimuddin was the most successful. In teenon mein se sabse failed ministry thi Iskandar Mirza ki. So bacho, we are done with two lectures. Ek lecture tha hamara Malik Ghulam Muhammad ka, second lecture hai hamara Iskandar Mirza ka. Iske questions hum kab karenge? Inshallah jaise hamari classes resume honge. Sahi hai. Third lecture jo mera hoga, that will be about Ayub Khan. Ayub Khan ka lecture two parts mein divided hoga. In one part we are going to do reforms, in second part we are going to do the events as well. Sahi bacho, take care. Allah Hafiz.